सभी वरिष्ठगण एवं युवा तरुणाई कर्म धारक शक्ति को अर्जुन तोमर की तरफ से जय सेवादान जय वंदना। अभी आप लोगों के बीच में मेरी उम्र देखा जाए, मेरा तजुर्बा देखा जाए तो काफी छोटा है। इस सभा में बहुत ही अनुभवी बुद्धिमान वरिष्ठ जन बैठे हैं। हालांकि मेरा कुछ बोलना आप लोगों को सूर्य को प्रकाश दिखाने के समान होगा, पर फिर भी मेरे कुछ विचार हैं। मैं यहाँ आया हूँ तो मैं भी आपके समक्ष कुछ बोल दूँ। मित्रों, मेरा मध्य प्रदेश जो है, मैं खुद वहाँ का निवासी हूँ और मैं चार चार पाँच पाँच डिग्रियाँ कर चुका हूँ। अभी तक पढ़ाई के क्षेत्र में इतना होने के बाद भी कुछ भी नहीं कर पाया है। हालांकि प्राइवेट सेक्टर में अच्छा कर रहा हूँ, पर यहाँ आके देखा कि जैसे आरक्षण कितना उपयोगी है। महाराष्ट्र की हम बात करें, तेलंगाना की बात करें, बहुत सारे हमें अच्छे वर्ग से आईएएस सीओ को देखते हैं। तो आखिर मध्य प्रदेश में ऐसा क्या है कि वहाँ क्यों नहीं कुछ हो पा रहा? बस कारण यही है आरक्षण। तो मैं महोदय जी से आग्रह करना चाहूंगा कि तेलंगाना अच्छी स्थिति में है, महाराष्ट्र अच्छी स्थिति में, सभी जगह अच्छी स्थिति में है, तो आपका ध्यान मध्य प्रदेश में विशेष रूप से जाना चाहिए, क्योंकि वहां तो कुछ भी नहीं है। तो पहली प्राथमिकता तो आपको मध्य प्रदेश की लेनी चाहिए। मैं आग्रह चाहूंगा कि इस संगठन में युवाओं को भी मौका मिले, क्योंकि मैं कल से देख रहा हूँ, माफी चाहूंगा, युवाओं को बोलने का बहुत कम अवसर मिल रहा है। तो मैं संगठन के माध्यम से चाहूंगा कि बुजुर्गों का आशीर्वाद हो, युवाओं का साथ हो, कोई नहीं रोक पाएगा। आगे आप लोग जो आदेश देंगे, जो नियमावली देंगे, समाज में कैसे काम करना है, हम तो उस लाइन नहीं है, हम युवा वर्ग है, हम समाज के पहले हैं, हमको जितना आप पीछे से दबाओगे हम उतना आगे जाएंगे। बस आगे मार्गदर्शन आप लोगों को करना है, हम पीछे नहीं हटेंगे। और रही बात आरक्षण की, तो ये तो हमारा मेन एजेंडा है ही है, इस पर तो काम करना है। पर अभी तो हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हमारा मिशन सक्सेसफुल हो गया। इंग्लिश में कहावत है, द डेस्टिनेशन इज स्टिल सो फार, दिल्ली अभी दूर है। हमें बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे, बहुत प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाकर हमें इतने से ही हमें खुश नहीं होना चाहिए। ये तो हमारा पहला चरण है, अभी हमें कई कठिनाइयां से पार पाना होगा, क्योंकि ये पूरे देश की बात है। या कई चैलेंजिंग आएंगे, कई समस्याएं भी आएगी, हमें आपस में तोड़ने की भी कोशिश की जाएगी, प्रलोभन भी मिलेंगे, पैसे से टीम से हमें तोड़ा जाएगा। हमें टूटना नहीं है, पांचों उंगली साथ में लेके मुट्ठी बन के लड़ना है और समाज को आगे ले जाना है। अगर मैं वो बात करूँ तो समाज में आज भी ऐसी कई कुर्तियां हैं जो अलग अलग राज्यों में पाई जाती है। कहाँ गया आज का हमारा युवा जो मद्यपान जैसी समस्याओं में आज भी उलझा है, रोजगार में पिछड़ा हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। ऐसे कई मुद्दे हैं जहाँ पर हम पिछड़े हुए हैं, और इसका मूल कारण मैं वरिष्ठ जनों को कुछ बोला, मतलब बुरा नहीं बोलना चाहता, पर फिर भी मैं इसमें हमारे युवा वर्ग की गलती नहीं समझता, उनमें मैं वरिष्ठ को मानता हूँ, क्योंकि वो लोग का उचित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। आज हमें हमारे क्षेत्र माननीय सीताराम जी बंजारा का मार्गदर्शन मिला तो वहाँ का युवा कितने आगे बढ़ गया। तो आप लोग जो भी वरिष्ठगण हो और भी जो है, उन लोगों से बस मैं यही निवेदन करना चाहूंगा कि हम गलती करें तो हमारे कान पकड़ हमने ना आगे लगा कि बेटा ये तो गलत चीज आगे चल, तो हम तो सीखें होकर गलत छा तो वो तुरंत हमने दंड दो, पुरस्कार दो, किसी माध्यम से हमने आगे ले जाओ। बस ही गति में बोल दो कि भाई तुम कौन कर सको, युवा वर्ग छोड़ो इन लोग कहीं से। तो हमने बस अतरा में चौंक चू, बाकी सारी बहन जय सेवाला जय बंदारा।